गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोग घर पर सेफ होंगे। आज हम स्टैंडर्ड 8 का हिंदी का लेसन नंबर 6 टू फॉलो की और उसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 मैंने आगे भेज दिया है, आपने अच्छी तरह से पोयम पढ़ ली होगी और सुन भी ली, उसका राग भी मैंने सिखाया था। आज फिर से एक बार हम करेंगे। श्री मंगल सिंह सुमन ने लिखा है, बहुत बड़े हमारे साहित्यिक लेखक हैं, उनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे कि उनको पद्मश्री, साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारत भारती पुरस्कार भी मिला हुआ है। हमारी जो पोयम है, पहले भी मैंने बताया था कि जीवन और समुद्र दोनों को एग्जाम्पल देकर समझाया गया है कि जीवन में बहुत सारी मुसीबत आती है, उसको तूफान कहा गया है, उनसे हमें कभी डरना चाहिए नहीं, उनका सामना डटकर करना चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ हमारा हो गया था, पहले हम पोयम कर लेते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विश्व उगला है, लहरों का यमन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में सत उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, मेरे साथ सब गाओ, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंगड़ में साहस बोलो, कभी कभी जीवन मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, यह असीम निज सीमा जाने सागर में तो यह पहचाने, मिट्टी की पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, सागर की अपनी क्षमता है, पद्मा जी भी कब रुकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डालो सात समुंदर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। फर्स्ट पैराग्राफ हमारा हो गया था, उसको रिपीट कर रही हूँ कि सिंधु यानी समुद्र, जो तूफान बढ़ रहा है हमें उससे पीछे नहीं हटना है, तू अपनी नाव उसी तरफ ले जा, आज सिंधु यानी सागर में चेहरा हो रहा है, लहरें जो उठ रही है उसका यौवन, वो भी कुछ कह रही है कि मैं भी आज उसको हरा दूंगी, पर हमें हारना नहीं है, हमें हृदय और सिंधु दोनों में जो तूफान उठा है आज कुछ कर दिखाना है, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, लहर क्या कह रही है, युवान बन गई है वो तूफान में अपना यानी कि आंसर देना चाहती है, उसके स्वर में उसी को उसकी आंसर उसी की भाषा में उसे आंसर देना है। इस अंगड़ में ये जो तूफान उठा है, आंधी उठी है, उसमें साहस अपनी जो साहसिकता है उसे तोलना है, हमें बता देना है कि हम भी पीछे नहीं हैं, कभी कभी मिलता जीवन में ऐसा जो प्यार है वो कभी कभी मिलता है, हर रोज तो अच्छी अच्छी बातें होती रहती हैं, पर तूफानों का सामना करना हमें कुछ कर दिखाने, हमें बहुत अच्छी और बड़ी जिंदगी मिली है पर वो सॉफ्टली चलती रहेगी तो आपका नाम होगा नहीं, नाम करने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ता है, बहादुरी दिखानी पड़ती है और वो बहादुरी कब दिखेगी, जब आप तूफानों का सामना करोगे। कभी कभी मिलता है ऐसा जो प्यार है तूफानों का, वो कभी कभी मिलता है, आज बता ही दो क्या क्या करना चाहते हैं, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है, निज सीमा जाने वो खुद की जो अभी है इसकी कोई सीमा नहीं है, पर आप अपनी सीमा खुद की सीमा जानो, सागर भी तो यह पहचाने, उसे भी तो पता है क्या कहा है, मिट्टी का पुतला मानो, हम लोग कैसे पुतले हैं, मिट्टी के, भगवान ने हमें बनाया मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाना है, तो ये जो मिट्टी का पुतला बनाया है भगवान ने, उसमें जी डाला है तो वो कभी हारने वाला नहीं है, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, सागर उसकी खुद अपनी क्षमता यानी ताकत, पर माझी यानी नाव चलाने वाला वो भी कभी थकता नहीं है, हमें भी मुसीबतों से कभी थकना नहीं है, जब तक सांसों में स्पंदन, जब तक हमारी सांसों में स्पंदन है, हमारा जी चल रहा है, हमारी सांसें चल रही है, स्पंदन यानी धड़क, उसका हाथ नहीं रुकता है, हम जो पतवार चल रहे हैं उसे हमें
हराना नहीं है, हमारी जो भी मुसीबत है उसका सामना हमें करना है। इसके ही बल पर कर डाले सात समुद्र पार, एक समुद्र नहीं हम ऐसे सात समुद्र पार कर सकते हैं मुसीबतों का सामना करके। तूफान की और घुमा दो नाविक बीच पतवार। इसको पूरा एक बार मैं बता देती हूँ कि हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज तुझे तूफानों का सामना करने का मौका मिला है तो तू अपनी पतवार जो है वो तूफानों की ओर मोड़ दे। आज समुद्र ने जहर जहर विष जहर उगला है, कठिन परिस्थितियां पैदा हुई है। ऐसे तो अच्छे से तेरी नाव चल ही रही थी पर कठिन परिस्थिति जीवन की नैया में भी मुसीबतें आई है, तो लहरें भी उमड़ कर तुम्हारी नाव को निकल जाना चाहती। लहरें भी चाहती है कि मैं उसकी नाव को पूरा उगल जाऊँ, फिर भी परवाह नहीं, भले तेरी जान चली जाए पर परवाह मत कर। उधर समुद्र में ज्वार यानी तूफान उठा है तो कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। हमारी भावना जो है उसमें भी कि मुझे उसे डर भी लग रहा है और आगे भी बढ़ना है। जैसे कि लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है, वो चाहती है कि तुम्हें निकल जाए, वैसे ही उनका जोर जो बढ़ रहा है, तू भी तैयार हो जा, आंधियों का सामना कर, कठिनाइयों का सामना कर। स्वयं आजमा को, खुद को आज आजमा ले कि मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छी परिस्थिति में तो तूने सब अच्छा अच्छा किया पर बुरी परिस्थितियों में तू अच्छा बनकर आगे बढ़। जीवन में तूफान का प्यार कभी कभी ही मिलता है। भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो तभी तो पता चलता है कि कौन आपके साथ है, कौन आपका सपोर्ट कर रहा है, भगवान भी आपके साथ होते हैं। थर्ड पैराग्राफ, यह समुद्र और यह तूफान आज असीम दिखाई दे रहे हैं। असीम यानी उसकी कोई सीमा नहीं है, वो हराने के लिए आपको बैठा है। इनका सामना शायद ही कोई कर सकता है। ये जो लहरें उठी है उसका सामना करने की ताकत और किसी में शायद ही होगी। मनुष्य सब कुछ कर सकता है। कौन? मनुष्य, जो मिट्टी का बनाया है भगवान ने, पर वो सब कुछ कर सकता है। हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है। कौन सा पुतला है? मिट्टी का, पर समुद्र के सामने वो अपनी हार नहीं मानी। मनुष्य ने कभी भी अपनी हार नहीं मानी है। समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति है। समुद्र के पास क्या है? लहरें ही जो है वो ऊंचे ऊंचे उठकर आपको ऐसे निकल जाएगी। पर माँ जी, हिम्मत के साथ सब कुछ हो सकता है, और जो नाव चलाने वाला है उसके पास हिम्मत है, आत्मविश्वास है, वो थकेगा नहीं। और जब तक उसकी सांसें चल रही हैं, अगर वो मर भी जाए पर तूफान से तो लड़कर मरा ऐसा सब कहेंगे। और उसे चार साल जब तक सांस चल रही है तब तक अपनी नाव आगे बढ़ानी है। ऐसे ही हमें कठिनाइयों का सामना ही करना है। तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे सात समुद्र भी पार कर डाले हैं। ये तो छोटा सा एक तूफान है पर तुम वो भी कर सकते। अपनी नाव के साथ किसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। तू अपनी नाव जो है उसके सहारे एकदम आगे बढ़ता रहे और अपनी जो पतवार है उसे तूफानों की ओर घुमा दे, पीछे मत देखो। यहाँ हमारा पार्ट सेकंड जो है वो फिनिश हो रहा है। ये चैप्टर को सब लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। तूफानों की ओर यानी संघर्षमय जो जिंदगी है उसे किस तरह से हमें सामना करके आगे जाना है, वैसे ही समुद्र में जब भी नाविक जाता है, नाव चल रही है, तो उसे कभी पीछे हटना नहीं है। आप तो अभी बहुत छोटे हो पर आपके लिए मुसीबत क्या है? परीक्षा आपकी कसौटी कब होती है? एग्जाम में। तो एग्जाम में आप अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करो, आप अच्छे से अच्छा लिखो और आप जब अव्वल नंबर आते हो वो आपकी जीत है। फिर आगे बढ़ोगे तो बहुत सारी मुसीबतें आपको राह देख कर बैठी है। कंपटीशन का जमाना है, बहुत बढ़ना है, बहुत पढ़ना है। और इसी पोयम से, ऐसी ही पोयम हमें जो है वो सीख देती है, हमें प्रेरणा देती है कि हमें किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, बहुत आगे, बहुत अच्छे से बढ़ाना है। ठीक है, सभी लोग घर पर एक अभी आपको बताइए ना, मुसीबत तो चल रही है कोरोना, तो उससे भी हम लड़कर आगे बढ़ रहे हैं और जीत गए हैं, तो जीतना ही पड़ेगा। ठीक है, इसी पोयम से हमें